स्मॉल एरर एंड अप्रोक्सीमेशन। सपोज y इज इक्वल टू एफ एक्स वो फंक्शन है, तो स्मॉल एरर इन x को हम डेल्टा x से लिख रहे हैं, इसी तरह से एरर इन y इज डेल्टा y। तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स हम ये माने कि अप्रोक्सीमेटली होता है डी वाई बाई डी एक्स से। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। नाउ एब्सोल्यूट एरर इन एक्स को हम डेल्टा एक्स से दोनों तरफ खड़ी लाइनों से व्यक्त करते हैं, और हिंदी में बोलते हैं इसको एक्स में निरपेक्ष त्रुटि। इसी तरह से रिलेटिव एरर इन एक्स को हम लिखते हैं डेल्टा एक्स बाय एक्स, और हिंदी में इसको बोलते हैं एक्स में सापेक्ष त्रुटि। इसी तरह से परसेंटेज एरर इन एक्स ये होता है डेल्टा एक्स बाय एक्स इंटू 100। अब एक क्वेश्चन है कि हमें कॉस 60 डिग्री 12 सेकंड का मान निकालना है। तो सब हम ये फंक्शन मान लेते हैं कॉस एक्स, तो वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स, ये तो फंक्शन हो गया। अब y प्लस डेल्टा वाई, वाई एक्स में हम हल्का सा चेंज करेंगे तो इसमें चेंज जाएगा, तो y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू होगा कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स, दिस इज इक्वेशन नंबर टू। अब y इज इक्वल टू कॉस एक्स है तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा माइनस साइन एक्स। अब हम क्या करेंगे, कॉस 60 की वैल्यू तो हमें मालूम है, तो डेल्टा एक्स ले लेंगे 12 सेकेंड, तो x इज 60 डिग्री, डेल्टा x इज 12 सेकेंड, 12 मिनट। अब 12 मिनट को डिग्री में बदलेंगे तो ये होगा 12 अपॉन 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, मिनट को डिग्री में बदलने के लिए 60 से भाग देना पड़ेगा, तो ये डिग्री में बदल गया। और अब हमें इसे रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम पाई बाय 180 से गुणा कर देते हैं, तो 12 बाय 60 इंटू पाई बाय 180 रेडियन, तो ये आ गया पाई बाय 900 रेडियन। तो ये तो आ गया डेल्टा एक्स। अब y इज इक्वल टू एक्स की जगह 60 है तो cos 60, तो ये आ गया 1/2 विच इज इक्वल टू 0.5। अब डेल्टा y होता है dy वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, तो यहाँ पे dy वाई बाई डी एक्स की वैल्यू रख दो माइनस साइन 60, डेल्टा x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं पाई बाय 900, फिर साइन 60 की वैल्यू रख दो अंडर रूट 3/2, पाई की वैल्यू रख दो 3.14, और इसको ये जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इस ये वाली जो वैल्यूज हैं ये हम इक्वेशन नंबर टू में रखेंगे। इक्वेशन नंबर टू है कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस डेल्टा वाई, ये इस तरह से इसको रिवर्स करके लिखा है। एक्स है 60 डिग्री, डेल्टा एक्स है 12 मिनट, तो ये हो जाएगा कॉस 60 12 मिनट। वाई की वैल्यू रख दी 0.5, ये हमने यहाँ से निकाली थी, डेल्टा वाई हमने यहाँ से निकाला था इसकी वैल्यू रख दी, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर टू, यदि एक गोले की त्रिज्या नापने में 0.1% की त्रुटि हो तो उसका आयतन ज्ञात करने में कितने प्रतिशत त्रुटि होगी। तो परसेंटेज एरर इन आर, हम मान लेते गोले की त्रिज्या है आर, स्फीयर की रेडियस है आर, तो परसेंटेज एरर इन आर दे रखा 0.1, ये दे रखा हमें। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 πr³, तो वी वॉल्यूम को हम वी से डिनोट करते हैं, वी इज इक्वल टू 4/3 πr³, दिस इज इक्वेशन नंबर वन। अब हम इसको आर के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करते हैं, डीवी बाई डी आर आ जाएगा 4/3 πr³ का हो जाएगा 3r² सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गया इसका डीवी बाई डी आर। परसेंटेज एरर इन आर इज 0.1। अब परसेंटेज एरर इन आर डेफिनेशन से क्या होगा, डेल्टा आर बाय आर इंटू 100, ये दे रखा है 0.1, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हम जानते हैं कि डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर इज इक्वल टू डी वी बाई डी आर, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब डी वी बाई डी आर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से रखेंगे, और ये डेल्टा आर, अब दोनों साइड वी से डिवाइड कर दो, और इधर हम वी की वैल्यू रख देंगे, वी की वैल्यू 4/3 πr³, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 δr/r, तो अल्टीमेटली ये आ गया डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू 3 δr/r। अब दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये तो हो गया परसेंटेज एरर इन वी, और ये हो गया परसेंटेज एरर इन आर जो कि हमें दे रखा है 0.1, तो ये आ गया 3 × 0.1 विच इज इक्वल टू 0.3, तो परसेंटेज एरर इन वी आ गया 0.3।